हेलो माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द टर्म क्रोमेटोग्राफी. क्रोमेटोग्राफी विच इज़ यूज्ड फॉर योर जीपैट एग्जामिनेशन, इंडस्ट्रियल पर्पस और इन लैब पर्पस. क्रोमेटोग्राफी मेन अगर हम देखें तो जीपैट एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, अगर हम लैब फर्दर स्टडी करना चाहते हैं, एमफार्म में कोई भी रिसर्च वर्क करना चाहते हैं, तो वहाँ पे क्रोमेटोग्राफी का यूज़ है. डिफरेंट क्रोमेटोग्राफी टर्म्स यूज़ किए जाते हैं जिसमें डिफरेंट इंस्ट्रूमेंटल स्टडी करते हैं. अगर हम इंडस्ट्री में कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहाँ पे भी डिफरेंट इंस्ट्रूमेंटल जो भी हमारे क्या उनके एप्लीकेशंस होते हैं, कैसे यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे भी ये सारे टर्म्स यूज़ किए जा रहे हैं जो अभी हम पढ़ेंगे. तो फर्स्ट हम देखेंगे क्रोमेटोग्राफी. क्रोमेटोग्राफी में दो वर्ड से मिल के बना हुआ है. फर्स्ट है क्रोमा, सेकेंड टर्म इज़ ग्राफी. अब क्रोमा इज़ अ ग्रीक वर्ड जिसकी मीनिंग होती है कलर एंड ग्राफी टू राइट. अगर टर्म कलर के बेसिस पे ही हमें एक अगर कोई भी कंपोनेंट है, कोई भी मिक्सर है, तो उनका सेपरेशन या प्योरिटी चेक करनी होती है. तो इसका ये एक टेक्निक होती है जिसके बेसिस पे कोई भी मिक्सर ऑफ द कंपोनेंट या मिक्सर ऑफ द कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड है, एक कंपाउंड है तो डिफरेंट मिक्सर से बना हुआ है, डिफरेंट कंपोनेंट से बना हुआ है, तो उस कंपोनेंट को डिटेक्ट करना, उनकी प्योरिटी को चेक करना, उनको आइडेंटिफाई करना, उसके लिए हम लोग क्रोमेटोग्राफी पढ़ते हैं. सेकेंड आता है कि इन्हें फर्स्ट किसने डिस्कवर्ड किया था. तो माइकल स्वेट ने डिस्कवर्ड किया था. फर्स्ट स्वेट ने क्या किया था, प्लांट पे स्टडी की थी. प्लांट में डिफरेंट कंपोनेंट कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, कितने प्योर हैं, कितने इम्प्योर हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. जैसे सिंपल अगर हम बात करें प्लांट के बेसिस पे, तो क्लोरोफिल इज़ द पार्ट ऑफ लीफ. तो क्लोरोफिल अगर लीफ में प्रेजेंट है तो वो क्लोरोफिल को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, कलर के बेसिस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या कैसे हम बताएंगे कि क्लोरोफिल कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, क्या वो कितना प्योर है, कितना इम्प्योर है. तो उसके लिए फर्स्ट स्वेट ने क्या किया था कि इसी फाइटोकेमिकल या प्लांट पे ही स्टडी करके देखी थी और फिर नेक्स्ट डिराइव किया था डिफरेंट टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी. अब क्रोमेटोग्राफी के लिए पहली चीज़ ये हम जान गए कि सेपरेशन ऑफ द मिक्सर और आइसोलेशन ऑफ मिक्सर ऑफ कंपाउंड, जिसमें हम एक कंपोनेंट है तो उसमें कौन कौन से मिक्सर या कितने कौन कौन से कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है एक बड़ा सा कंपाउंड, तो उसके लिए हम क्रोमेटोग्राफी पढ़ रहे हैं. तो ये किस बेसिस पे हम आइसोलेट करेंगे, किस बेसिस पे हम चेक करेंगे कि जो हमारा कंपाउंड प्रेजेंट है वो कितना प्योर है, प्लस कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है. जैसे अगर हम बात करें कि प्रोटीन्स की बात करते हैं, तो प्रोटीन्स में कौन सा एमिनो एसिड है, किस एमिनो एसिड से मिलके बना हुआ है वो प्रोटीन, तो डिफरेंट एमिनो एसिड होते हैं. तो उस एमिनो एसिड को आइडेंटिफाई करने के लिए, एमिनो एसिड प्योर है या इम्प्योर है, उनको आइसोलेट करने के लिए ही हम लोग क्रोमेटोग्राफी के बेसिस पे उनको चेक करते हैं. तो फर्स्ट अगर हम देखेंगे क्रोमेटोग्राफी, तो क्रोमेटोग्राफी के लिए दो चीज़ें जरूरी होती है. फर्स्ट होता है मोबाइल फेज एंड सेकेंड इज स्टेशनरी फेज. मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज जिसके बेसिस पे ही हम लोग कोई भी कंपाउंड है उनको आइसोलेट कर सकते हैं या फिर आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अब जैसे बात करेंगे हम मोबाइल फेज, तो मोबाइल फेज डिफरेंट सॉल्वेंट का एक मिक्सर होता है. अगर कौन से स्टेट में होता है तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी होती है कि मोबाइल फेज का ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोबाइल फेज हुआ तो ये कौन से स्टेट में प्रेजेंट होता है, या सॉलिड में, या लिक्विड में, या फिर गैसियस में. तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना कि मोबाइल फेज है तो या तो वो लिक्विड का एक मिक्सर हो सकता है या फिर गैसियस का मिक्सर हो सकता है, सॉलिड का कभी भी मिक्सर नहीं हो सकता है अगर हम मोबाइल फेज की बात करें तो. सेकेंड आता है स्टेशनरी फेज. तो स्टेशनरी फेज या तो वो सॉलिड हो सकता है, नहीं तो लिक्विड हो सकता है. इसमें गैसेस स्टेट की कोई भी जरूरत नहीं होती है. तो सिंपल जब तक हम मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज को हम इंटरैक्शन नहीं करवाएंगे, इन दोनों को इंटरैक्ट नहीं करवाएंगे, तब तक हम सेपरेट भी नहीं कर सकते हैं या फिर आइसोलेट भी नहीं कर सकते हैं. जो भी कंपाउंड है उनको हम आइसोलेट भी नहीं कर सकते हैं. तो इनमें देखा जाता है कि इट इज़ द इंटरैक्शन बिटवीन द मोबाइल फेज एंड द स्टेशनरी फेज इन विच वी आइडेंटिफाई और प्योरीफाई द कंपाउंड ऑफ द मिक्सर. अब नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है अगर हम क्रोमेटोग्राफी की बात करें.
कौन कौन से बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं क्रोमेटोग्राफी को, किस किस क्या क्या हो सकते हैं, उनके बेसिस पे भी डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक होते हैं ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो फर्स्ट हम देखेंगे बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ स्टेशनरी फेज एंड लिक्विड फेज, कि स्टेशनरी फेज का नेचर क्या है या फिर लिक्विड फेज का नेचर क्या है। नेचर यहाँ पे टर्म हो रहा है, नेचर मतलब कौन से स्टेट में है या फिर कौन से फेज में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है या फिर गैसियस में है। तो मोबाइल फेज का क्या स्टेट है या स्टेशनरी फेज का क्या स्टेट है, उनके बेसिस पे अगर हम बात करें स्टेशनरी फेज की तो उनका क्या स्टेट है, वो चीज हम चेक करते हैं। तो फर्स्ट आता है बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। तो अगर हम बात करें स्टेशनरी फेज की, फर्स्ट स्टेशनरी फेज अगर सॉलिड है तो सॉलिड में तो उनका मोबाइल फेज क्या होगा, या तो लिक्विड हो सकता है या फिर गैसियस हो सकता है, कभी भी सॉलिड नहीं हो सकता है। पहली चीज हमेशा ये ध्यान रखना कि मोबाइल फेज या तो लिक्विड में होगा नहीं तो गैसियस स्टेट में होता है, कभी भी वो सॉलिड स्टेट में नहीं हो सकता है। तो उसी तरह सेम अगर हम बात कर रहे हैं कि कोई भी स्टेशनरी फेज जो किस स्टेट में है, किस फेज में है, सॉलिड फेज में है, तो उनका मोबाइल फेज हम क्या ले सकते हैं, या तो वो लिक्विड का कंपाउंड हो सकता है या फिर गैसियस हो सकता है। ठीक, सेकेंड अगर हम बात करें लिक्विड, अगर स्टेशनरी फेज जो कि लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड है, किसी अगर हम सॉल्वेंट कोई भी सॉल्यूशन बना रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट से, तो वो कौन से स्टेट में होगा, लिक्विड में है, तो उनका मोबाइल फेज क्या हो सकता है, या तो वो लिक्विड में होगा या फिर गैसियस स्टेट में होगा, कभी भी वो सॉलिड में नहीं हो सकता है। तो इसके बेसिस पे ही डिफरेंट डिफरेंट क्रोमेटोग्राफी होते हैं जिसमें हम सेपरेट कर सकते हैं ऑफ द मिक्सचर ऑफ कंपाउंड या फिर उनको आइसोलेट कर सकते हैं। अब जैसे फर्स्ट हम लोगों ने देखा कि सॉलिड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जिसमें सॉलिड है स्टेशनरी फेज एंड लिक्विड इज मोबाइल फेज। तो अगर हम सॉलिड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की देखें तो इसमें कौन कौन से हमारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं, जैसे HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। सेकेंड है TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, एंड थर्ड इज कॉलम क्रोमेटोग्राफी। इसी तरह होता है HPTLC भी, ठीक है, HPTLC हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो ये कौन से स्टेट में आता है, सॉलिड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। जैसे अगर हम बात करेंगे HPLC की, तो HPLC में जो स्टेशनरी फेज हम यूज करेंगे वो हमेशा सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है, जो भी हम कॉलम यूज करते हैं वो सॉलिड में होता है, और जो मोबाइल फेज यूज किया वो डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट ऑफ सॉल्यूशन है। अब सेकेंड आ रहा है सॉलिड गैस क्रोमेटोग्राफी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सॉलिड गैस क्रोमेटोग्राफी में, जैसे एग्जाम्पल हो सकता है गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि गैस क्रोमेटोग्राफी को दो टर्म में क्लासिफाई किया जाता है, एक तो गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी होता है, सेकेंड होता है गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे सॉलिड गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी की, जिसमें जो सॉलिड है वो स्टेशनरी फेज में होगा और गैसियस किस फेज में होता है, वो मोबाइल फेज होता है, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करेंगे गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की, तो लिक्विड होगा वो स्टेशनरी फेज है एंड गैस क्या होगा, मोबाइल फेज होता है। तो इनके बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंटल स्टडी किया जाता है जो हम रिसर्च पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे सॉलिड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी सच एज HPLC, TLC, HPTLC। सेकेंड होता है सॉलिड गैस क्रोमेटोग्राफी सच एज गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जैसे पेपर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। अब लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में जैसे पेपर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की बात करेंगे, जिसमें पेपर के बेसिस पे हम लोग सेपरेट करते हैं, जैसे प्रैक्टिकल किया भी होगा कि पेपर हम लोग लेते हैं, फिल्टर पेपर यूज़ किया, ठीक है, या फिर अगर हम बात करेंगे फिल्टर पेपर ले लो या फिर TLC ले लो। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में सिंपल हम लोग सिलिका जेल के बेसिस पे आइसोलेट करते हैं। उसी तरह पेपर क्रोमेटोग्राफी में पेपर जो होगा वो एक तरीके से स्टेशनरी फेज होता है और सॉल्वेंट जो मोबाइल फेज रहेगा। लास्ट है लिक्विड गैस क्रोमेटोग्राफी, जैसे जो लिक्विड है वो स्टेशनरी फेज है एंड गैस है मोबाइल फेज। अब ये फर्स्ट था कि कौन बेसिस किस किस बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं। सेकंड आता है बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन, क्या प्रिंसिपल होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रिंसिपल ही पूछा जाता है कि क्या उनका, अगर हम बात करेंगे लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की या फिर स्टेशनरी की या किसी भी हम सॉलिड क्रोमेटोग्राफी कोई ऐसे बात कर रहे हैं, HPLC की बात कर रहे हैं या TLC की बात कर रहे हैं, तो उनका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल के बेसिस पे हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट है अगर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन, फर्स्ट है स्टेशनरी फेजेस सॉलिड और लिक्विड। अगर स्टेशनरी फेज सॉलिड स्टेट में है या फिर लिक्विड में है तो उनका जो भी प्रिंसिपल होगा वो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। सिंपल अगर हम बात करें स्टेशनरी फेज अगर सॉलिड की बात करें, जैसे एग्जाम्पल ले लो TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में
ग्लास स्लाइड यूज़ की जाती है, जिसमें हम लोग सिलिका जेल अप्लाई करते हैं या फिर एल्यूमिना प्लेट यूज़ किया जाता है जो कि एच पी टी एल सी में यूज़ होता है। ठीक है, तो उस पर जो ग्लास स्लाइड अगर हम बात किए उस पर सिलिका जेल अप्लाई कर रहे हैं, तो ग्लास स्लाइड पे सिंपल जो भी हम मोबाइल फेस यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट से जो मिल के मोबाइल फेस बन रहा है, वो पहले क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्प्शन के बेसिस पे हम लोग सेपरेट करते हैं जो भी जिस भी कंपाउंड का अगर हमें डिटेक्शन करना है या फिर उनकी प्योरिटी चेक करनी है या फिर आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है, कौन सा किस मिक्सर से बना हुआ है, तो वो हम लोग एब्जॉर्प्शन के बेसिस पे करते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखना, जहां भी अगर हम सॉलिड स्टेशनरी फेज यूज कर रहे हैं तो वहां पे प्रिंसिपल क्या होगा, एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, क्योंकि सॉलिड क्या करता है कि जो भी हम मोबाइल फेज या फिर अगर गैसियस ले रहे हो मोबाइल फेज या फिर सॉलिड अगर लिक्विड मोबाइल फेज ले रहे हैं, तो वो सिंपल सॉलिड सर्फेस पे एब्जॉर्प्शन के बेसिस पे ही हम लोग सेपरेट करते हैं। तो सॉलिड की बात करेंगे, सॉलिड स्टेशनरी फेज, तो जिनका प्रिंसिपल होता है एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। अब नेक्स्ट आता है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में हम पार्टीशन कोफिशियंट के बेसिस पे करते हैं। जैसे सिंपल अगर हम बात करें लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में पेपर क्रोमेटोग्राफी की, जिसमें पेपर हम लोग ले लिए, रन करवा के देखते हैं कि कौन सा कितना जो सॉल्वेंट है वो कहाँ तक रन करता है, फिर बाद में जिस भी कंपोनेंट को हमें आइडेंटिफाई करना होता है या फिर सेपरेट करना होता है उनकी स्पॉटिंग की जाती है, फिर हम रन करवा के देखते हैं, उसके बेसिस पे ही हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि वो चीज़ प्रेजेंट है या फिर नहीं है। तो इसमें दो चीज़ ध्यान रखना कि सॉलिड, अगर सॉलिड स्टेशनरी फेज की बात हो रही है तो वहाँ पर प्रिंसिपल हमेशा एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होगा, मतलब एब्जॉर्प्शन के बेसिस पर ही हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। अगर हम लिक्विड की बात करेंगे, लिक्विड स्टेशनरी फेज यूज़ किया जा रहा है, तो वहाँ पर पार्टीशन के बेसिस होता है, पार्टीशन करेंगे, सेपरेट करते हैं, उसके बेसिस पे ही हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट होता है बेस्ड ऑन द मोड ऑफ क्रोमेटोग्राफी। लास्ट देखा प्रिंसिपल, अब नेक्स्ट आता है मोड ऑफ क्रोमेटोग्राफी की। अगर हम नॉर्मल फेज में हो रहा है, अब मोड की बात हो रही है तो कौन सा फेज हो रहा है, तो मोड हमेशा याद रखना कि दो होते हैं, या तो नॉर्मल फेज होता है या फिर रिवर्स फेज होता है। तो नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी में ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। अगर हम लार्ज स्केल की बात करते हैं, अगर कभी इंडस्ट्रियल स्केल की बात कर रहे हैं या फिर कोई भी रिसर्च वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पे नॉर्मल फेज ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है, तो इसलिए नॉट वाइडली यूज्ड है। तो सिंपल जैसे अगर हम लोग TLC यूज़ करते हैं या फिर पेपर क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं, तो कभी भी रिसर्च पर्पज़ के लिए या फिर अगर आप इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए जाओगे तो वहाँ पे ये टर्म्स, ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं की जाती हैं जल्दी। वहाँ पे जितने भी लार्ज, जैसे अगर HPLC यूज़ करना हो या फिर HPTLC यूज़ करना हो या गैस क्रोमेटोग्राफी यूज़ करनी हो, तो वो सारे टर्म्स यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट होता है नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी एंड सेकंड इज रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी। तो अब इसमें कैसे हम लोग इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं, नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी में ये चीज़ आता है कि मोबाइल फेज हमारा क्या होना चाहिए, पोलर होना चाहिए या फिर नॉन पोलर होना चाहिए। अगर हम मोबाइल फेज की बात कर रहे हैं या फिर स्टेशनरी फेज की बात कर रहे हैं, तो इन नॉर्मल फेज, स्टेशनरी फेज का नेचर क्या है, पोलर नेचर है या फिर नॉन पोलर नेचर है। तो अगर नॉर्मल फेज की बात कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि नॉर्मल फेज में स्टेशनरी फेज इज पोलर। जैसे सिलिका जेल यूज़ किया जाता है TLC पे, ठीक है, TLC पे हम लोग सिलिका जेल की कोटिंग करते हैं, सिलिका जेल लेयर अप्लाई करते हो, तो सिलिका जेल का नेचर क्या होता है, पोलर नेचर होता है। और अगर हम मोबाइल फेज की बात करते हैं तो वो नॉन पोलर होता है। जैसे हम लोग एसीटोन मिथेनॉल, ठीक है, एसीटोन और मिथेनॉल का एक मिक्सर करके एक मोबाइल फेज बना लेते हैं। तो ये चीज़ पूछी जाती है कि नॉर्मल फेज में मोबाइल फेज का नेचर क्या होता है, पोलर होता है या नॉन पोलर होता है, या फिर अगर हम स्टेशनरी फेज की बात करें तो वो पोलर या फिर नॉन पोलर होता है। अगर स्टेशनरी फेज पोलर है तो हम क्या यूज करते हैं, तो सिलिका जेल यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी। अब रिवर्स फेज ज़्यादातर यूज़ होता है क्योंकि अगर हम बात करें HPLC की या फिर HPTLC की बात करते हैं या कि गैस क्रोमेटोग्राफी की, कॉलम क्रोमेटोग्राफी की बात करते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादातर यूज़ होता है रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें रिवर्स फेज में, रिवर्स अगर मोड की बात की जाए, तो स्टेशनरी फेज का नेचर क्या होना चाहिए, नॉन पोलर, और मोबाइल फेज इज पोलर। अब रिवर्स फेज में अगर स्टेशनरी फेज नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर में डिफरेंट डिफरेंट हम लोग जो कॉलम यूज़ किया जाता है, जैसे HPTLC या HPLC की हम बात करें, तो यहाँ पे रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी होता है। क्यों, क्योंकि इसका जो कॉलम यूज़ करते हैं, कॉलम एज स्टेशनरी फेज, ठीक है, तो स्टेशनरी फेज का नेचर क्या होता है, नॉन पोलर होता है। ठीक है, ऑक्टा डिकाइल सिलेन इनका फुल फॉर्म है।
ओडियासिस, ऑक्टाडिसाइसिलिन, इनको C18 भी कहते हैं। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट आते हैं, जैसे C8 की बात करेंगे, ठीक है, या फिर C12 की बात करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेशनरी फेज आते हैं जिनका नेचर होता है नॉन पोलर, और मोबाइल फेजेस पोलर। तो ये ध्यान रखिएगा कि नॉर्मल फेज में हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, उनका स्टेट क्या है, किस नेचर का है, या फिर अगर हम रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी की बात कर रहे हैं तो मोबाइल फेज का नेचर क्या हो सकता है, या फिर स्टेशनरी फेज का नेचर क्या हो सकता है, क्योंकि इसके बेसिस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी। जैसे देखा कि किस किस बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई किए, ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल, ऑन द बेसिस ऑफ मोड। तो इनमें अब नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ क्रोमेटोग्राफी। शेप, अब शेप जैसे रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, या फिर सिंपल हम बात करें कोई भी एक प्लेनर भी हो सकता है, ठीक है, या ट्रायंगुलर भी हो सकता है। तो किस बेसिस पे हम लोग सेपरेट कर रहे हैं, तो शेप के बेसिस पे देखा गया है कि सिर्फ दो है, और भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सिर्फ टू क्रोमेटोग्राफी। फर्स्ट इज प्लेनर क्रोमेटोग्राफी एंड सेकेंड इज कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अगर हम प्लेनर क्रोमेटोग्राफी की बात करते हैं, प्लेनर, तो जिसका जो स्टेशनरी फेज है या जो भी हम यूज़ कर रहे हैं क्रोमेटोग्राफी सेपरेट करने के लिए, तो वो प्लेन में होना चाहिए। क्या यूज़ करेंगे, जैसे हम TLC की ही बात कर ले, तो TLC में जो भी हम अगर हम ग्लास स्लाइड यूज़ करते हैं, तो ग्लास स्लाइड किस ने उनका शेप क्या होता है, प्लेनर होता है, ठीक है। अगर हम पेपर क्रोमेटोग्राफी की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो भी पेपर यूज़ किया जाता है उनका भी नेचर क्या है, प्लेन है। तो इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अगर हम TLC की बात करें तो ये किसके अंडर में आता है, कौन से उनका नेचर क्या हो सकता है, या किस शेप में आता है। तो इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि TLC हुआ तो वो प्लेनर क्रोमेटोग्राफी है, या उनके शेप के बेसिस पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो प्लेनर क्रोमेटोग्राफी होता है, सेकंड होता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अब कॉलम के भी डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक होते हैं, इसमें भी अलग अलग आते हैं। अगर सिंपल हम बात करें कॉलम क्रोमेटोग्राफी, तो इसमें कॉलम एज ए स्टेशनरी फेज यूज़ किया जाता है। तो कॉलम को ही मेन हम लोग सेपरेशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, या फिर आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट आता है अदर टाइप्स, कुछ अलग टेक्निक भी होते हैं क्रोमेटोग्राफी के, जैसे आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। इसमें आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, जिसमें स्टेशनरी फेज पॉलीमेरिक मैट्रिक्स यूज़ किया जाता है। इसमें आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, आयन का एक्सचेंज करके हम लोग सेपरेशन करते हैं। अब आयन स्टॉर्म्स यहाँ पे यूज़ किया है, तो हमेशा ध्यान रखना आयन्स मतलब चार्जेस कुछ है, ठीक है। जो भी मॉलिक्यूल्स जिन्हें हमें आइडेंटिफाई करना है, या फिर उनको चेक करना है, डिटरमाइन करना है कि कौन सा कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है, तो उस जो भी मॉलिक्यूल्स हम ले रहे हैं उस पर चार्जेस होने चाहिए। चार्जेस मतलब पॉजिटिव चार्ज है या फिर निगेटिव चार्ज है, उसके बेसिस पर ही हम लोग चेक करते हैं। तो वो यूज़ होता है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में। सेकेंड होता है जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी, जिसको हम लोग जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी या फिर साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। तो ये चीज़ पूछी जाती है कि साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी इज ऑल्सो नोन एज, तो हमेशा ध्यान रखना कि जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी होता है या फिर जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी होता है। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग साइज के बेसिस पे सेपरेट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ले लिए, जैसे अगर हम कोई भी कॉम्पोनेंट, तो उनको साइज के बेसिस पे आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं या फिर सेपरेट किया जाता है। तो वो आता है जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी या फिर साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट आता है कायरल क्रोमेटोग्राफी। तो कायरल क्रोमेटोग्राफी इज द पार्ट ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में एक टर्म आता है कायरल क्रोमेटोग्राफी, जिसमें हम लोग इनैंसियोमर्स के बेसिस पे चेक करते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे कि वो कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर क्लॉकवाइज है दैट इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, अगर एंटी क्लॉक है तो लीवोरोटेटरी। तो इनके बेसिस पे हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि अगर डेक्स्ट्रो में है, अगर वो चीज़ हमें मालूम है ऑलरेडी कि ये डेक्स्ट्रो में मूव करनी चाहिए, तो अगर हमें आइडेंटिफाई करना है, चेक करना है कि वो प्योर है कि नहीं, तो वो चीज़ अगर डेक्स्ट्रो में मूव कर रही है, यानी कि क्लॉकवाइज मूव कर रही है, यानी जो हमारा कंपाउंड है वो प्योर है, ठीक है, तो वो किस बेसिस पे करते हैं, कायरल क्रोमेटोग्राफी, जिसमें हम लोग कॉलम का यूज करते हैं, कॉलम के बेसिस पे ही सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट आता है फास्ट प्रोटीन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो फास्ट प्रोटीन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में एक टर्म यहाँ पे यूज किया गया है, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। मतलब फास्ट प्रोटीन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी किसका पार्ट है, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का ही पार्ट है, ठीक है, जिसमें हम लोग जो भी यूज़ कर रहे हैं, या फिर अगर स्टेशनरी फेज यूज़ किया जा रहा है, वो क्या होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखना कि क्रोमेटोग्राफी में हम लोग फेज कौन सा यूज़ कर रहे हैं, स्टेशनरी फेज में हम लोग सॉलिड ले रहे हैं तो वहाँ पर कौन सा क्रोमेटोग्राफी हो सकता है, या फिर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की बात करेंगे तो वहाँ पर स्टेशनरी फेज हम लोग क्या ले सकते हैं, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, क्या हो सकता है। तो फास्ट प्रोटीन क्रोमेटोग्राफी में ये पार्ट है लिक्विड का ही, जिसमें प्रोटीन्स का सेपरेशन मेन ये
जो क्रोमेटोग्राफी होता है जिसमें हम लोग प्रोटीन्स को सेपरेट करते हैं या प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे अगर हम लोग कोई भी कंपाउंड ले लिए उसमें हमें डिटेक्ट करना है कि इसमें कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट है, ल्यूसिन है, आइसोल्यूसिन है, क्या कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट है, तो वो हम लोग सिंपल फास्ट प्रोटीन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के बेसिस पे करते हैं। लास्ट आता है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी में इसमें जो भी हम मोबाइल फेज यूज़ करते हैं वो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड यूज़ किया जाता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एज ए हम मोबाइल फेज यूज़ करेंगे। ठीक है, जो गैसियस फॉर्म में उसको यूज़ किया जाता है सेपरेट करने के लिए या फिर आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये हमारे कुछ क्रोमेटोग्राफी है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आता है नेक्स्ट कंटेंट है जैसे बेसिक प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट। अगर सिंपल अगर हम बात करें कि क्रोमेटोग्राफी के लिए बेसिक हमारे क्या प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट हो सकते हैं, अगर हम स्मॉल स्केल की बात कर रहे हैं या फिर लार्ज स्केल की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट आता है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज फर्स्ट देख लिया कि इसमें ये चीज़ पूछी जाती है कि स्टेशनरी फेज का नेचर क्या हो सकता है, या पोलर है या फिर नॉन पोलर है, या फिर ये भी पूछा जाता है कि वो कौन से स्टेट में होना चाहिए, सॉलिड में होना चाहिए या फिर लिक्विड में होना चाहिए। कभी भी स्टेशनरी फेज गैसियस में नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। सेकेंड होता है अगर स्टेशनरी फेज सॉलिड में है तो उनका प्रिंसिपल क्या हो सकता है, किस बेसिक, तो सॉलिड स्टेट है यानी एब्जॉर्प्शन के बेसिस पे ही हम लोग सेपरेट करते हैं। सेकेंड आता है मोबाइल फेज। तो मोबाइल फेज का भी सिंपल नेचर पूछा जा सकता है कि ये पोलर होता है या फिर नॉन पोलर होता है, किस मोड में क्या होना चाहिए। दूसरी चीज़ पूछी जा सकती है कि मोबाइल क्रोमेटोग्राफी मोबाइल फेज है तो उसमें अगर हम लोग सॉल्वेंट कोई भी हम लोग लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे उनका प्रिंसिपल क्या है, किस बेसिस पे हम लोग सेपरेट कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन एंड एक्टिवेशन प्लेट। अगर हम TLC या फिर पेपर्स के बेसिस पे क्रोमेटोग्राफी करते हैं या सेपरेट करते हैं कंपाउंड को तो उनको एक्टिवेट भी किया जाता है। नेक्स्ट डेवलपमेंट टेक्निक। कुछ टाइम के लिए हम लोग डेवलपमेंट टेक्निक का मतलब है सिंपल अगर हम लोग TLC की बात करते हैं तो TLC या फिर पेपर क्रोमेटोग्राफी की बात की जाती है तो सॉल्वेंट यानी मोबाइल फेज में हम लोग डिप करते हैं, फिर उसको रन करवा के देखा जाता है कि वो कहाँ तक रन कर सकता है, मतलब डिस्टेंस ट्रैवल बाय द सॉल्वेंट कहाँ तक रन कर सकता है, फिर हम स्पॉटिंग करते हैं। तो वो चीज़ क्या कही जाती है, डिटेक्टिंग और विजुअलाइजिंग एजेंट। विजुअलाइजिंग एजेंट मतलब अगर हमें डिटेक्ट करना है, चेक करना है कि कौन सा कंपाउंड है तो उसमें डिफरेंट जिस भी कंपाउंड का अगर हमें डिटेक्ट करने जाते हैं तो उनके लिए विजुअलाइजिंग एजेंट जो आते हैं वो अलग अलग होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं, तो वो नेक्स्ट स्लाइड में अभी हम देखेंगे। लास्ट होता है रिकॉर्डर। ठीक है, फिर लास्ट में हम लोग रिकॉर्ड देख लेते हैं, RF के बेसिस पे देखा जा सकता है या डिफरेंट जो वैलिडेशन पैरामीटर्स होते हैं तो उनके बेसिस पे भी हम लोग रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है कैलकुलेशन ऑफ RF वैल्यू। RF वैल्यू क्या है, रिटार्डेशन वैल्यू। ठीक है, अब रिटार्डेशन वैल्यू में अगर लैब में प्रैक्टिकल होता है तो वहाँ पे सिंपल हम लोग TLC यूज़ करते हैं या फिर पेपर क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे RF वैल्यू के बेसिस पे ही हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं कि क्या होना चाहिए। तो इनकी एक लिमिट बनाई गई है कि इतने इस लिमिट के ही अंदर आएगा तभी हमारा जो भी कंपाउंड है वो सही है या फिर गलत। तो इनकी लिमिट होनी चाहिए रेंज फ्रॉम 0 to 1, 0 से 1 के बीच में अगर रेंज आ रही है, जिस भी कंपाउंड को हमें डिटेक्ट करना है, जिस भी कंपाउंड को हमें आइडेंटिफाई करना है, अगर उनकी RF रेंज जो है वो 0 to 1 के बीच में आ रही है, मतलब जो हमारा कंपाउंड है वो सही है, उसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो RF के लिए सिंपल फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाई सॉल्यूट एंड अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल बाई सॉल्वेंट। जैसे सॉल्यूट की अगर हम बात करें जो हमें स्पॉटिंग की जाती है, TLC में हम लोग सिंपल सिलिका जेल की कोटिंग करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग उसे एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट हम लोग मोबाइल फेज में एक्टिवेट किए जिसमें हम लोग रन करवा के देखते हैं कि वो कहाँ तक सॉल्वेंट रन कर सकता है, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई सॉल्वेंट। ठीक है, जहाँ तक वो रन करता है, जहाँ वो रन कर लेता है फिर नेक्स्ट हम लोग स्पॉटिंग करते हैं, वो 1 सेंटीमीटर तक होना चाहिए या फिर 2 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। ठीक है, तो स्लाइड में 1 सेंटीमीटर तक हम लोग मेजरमेंट करके फिर स्पॉटिंग की जाती है। जिस भी अमीनो एसिड को अगर हमें आइडेंटिफाई करना है या फिर किसी कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है तो उसमें हम लोग स्पॉटिंग करते हैं। ठीक है, तो स्पॉटिंग करने के बाद विजुअलाइजिंग एजेंट अप्लाई करते हैं। ठीक है, जिस भी कंपाउंड को हमें आइडेंटिफाई करना है तो विजुअलाइजिंग एजेंट अप्लाई किए, तो यहाँ पे जो स्पॉटिंग की जाती है उसके
बाद भी फर्दर वो रन करता है, जो भी सॉल्यूट हम स्पॉट किए हुए वो भी रन करता है, फिर हम विजुलाइजिंग एजेंट अप्लाई करते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई सॉल्यूट अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल बाई सॉल्वेंट, जिसके बेसिस पे हम लोग आर एफ वैल्यू आइडेंटिफाई करते हैं, उनको कैलकुलेट करते हैं। तो इनकी रेंज जो होती है वो 0 to 1 के बीच में ये क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं कि आर एफ की जो रेंज होनी चाहिए यानी रिटार्डेशन फैक्टर की रेंज होती है वो कितनी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट आता है, जैसे देखा विजुलाइजेशन ऑफ स्पॉट, अभी देखा टीएलसी या फिर पेपर क्रोमेटोग्राफी की बात की, तो इसमें विजुलाइजेशन कौन कौन से टेक्निक हो सकती है। तो फर्स्ट आता है फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड जैसे हम लोग यूवी इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे भी चेक कर सकते हैं या फिर फ्लोरोसेंट टेक्निक के बेसिस पे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हम लोग यूवी की बात करें तो कोई भी अगर हमें कंपाउंड चेक करना होता है कि ये कंपाउंड हमारा सही है कि नहीं, आइडेंटिफाई करना होता है, तो उसमें यूवी के बेसिस पे, यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बेसिस पे हम लोग तुरंत चेक कर लेते हैं उनके वेवलेंथ के बेसिस पे। ठीक है, तो यूवी होता है, विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, जिनके बेसिस पे हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ये एक तरीके से फिजिकल मेथड होता है जिसमें कोई भी कंपाउंड है वो आइडेंटिफाई करने के लिए कितना प्योर है उसके, ये यूवी के बेसिस पे या फिर फ्लोरोसेंस के बेसिस पे हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड बाय विजुलाइजिंग एजेंट, जो भी विजुलाइजिंग एजेंट हम प्रिपेयर करते हैं वो क्या होगा, वो एक तरीके से केमिकल्स ही होता है। ठीक है, केमिकल्स का ही हम लोग कलरिंग एजेंट या फिर विजुलाइजिंग एजेंट बना लेते हैं जिसके बेसिस जो हमें आइडेंटिफिकेशन में यूज़ किया जाता है। अब इसमें जैसे अगर जनरल पर्पस की बात करें तो आयोडीन वेपर, जो भी रिएजेंट जो केमिकल्स यूज़ करते हैं वो क्या होता है, आयोडीन होना चाहिए जिसमें कलर प्रोड्यूस होता है ब्राउन। निन, अगर हम एमिनो एसिड की बात करें तो एमिनो एसिड में जो रिएजेंट यूज़ किया जाता है निन हाइड्रिन, जो पर्पल कलर शो करता है। तो ये कौन से कंपाउंड को हमें डिटेक्ट करना है, ठीक है, आइडेंटिफाई करना है। जैसे अगर जनरल पर्पस की बात करें तो रिएजेंट हम लोग आयोडीन वेपर यूज़ करते हैं, कलर ब्राउन कलर प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट अगर हम एसिड की बात करें तो एसिड में रिएजेंट जो होता है ब्रोमोक्रिजॉल ग्रीन का यूज़ किया जाता है जो कि येलो कलर प्रोड्यूस करता है। अगर हम एल्डिहाइड कीटोन की बात करते हैं तो उसमें रिएजेंट 2,4-dinitrophenyl हाइड्रोजन, इसमें येलोइस रेड कलर प्रोड्यूस होता है। एमिनो एसिड निनहाइड्रिन पर्पल कलर के बेसिस पे। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर पूछ दिया जाए कि अगर हम कोई भी अल्कलोइडल कंपाउंड है, ठीक है, अल्कलोइडल कंपाउंड में मेन जो विजुलाइजिंग एजेंट होता है या फिर कलरिंग एजेंट जो यूज हम करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ कंपाउंड, तो वो कौन सा यूज किया जाएगा। तो अल्कलोइड की बात करें तो हमेशा मर्क्यूरिक नाइट्रेट, किसी भी अल्कलोइड कंपाउंड को अगर हमें डिटेक्ट करना है, चेक करना है कि कौन सा अल्कलोइड प्रेजेंट है, तो उनके लिए रिएजेंट हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मर्क्यूरिक नाइट्रेट। ठीक है, अगर एमिनो एसिड है तो निनहाइड्रिन का यूज़ किया जाता है, एस्टेरॉइड है तो एंटीमनी ट्राइक्लोराइड का। तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट ही पूछा जाता है कि अगर जनरल पर्पज या किस कंपाउंड के लिए हम क्या विजुलाइजिंग एजेंट ऐड करते हैं या फिर कलरिंग एजेंट ऐड करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना, विजुलाइजिंग एजेंट को ही हम लोग कलरिंग एजेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये केमिकल्स है, कौन सा रिएजेंट यूज़ किया जाता है प्लस क्या कलर प्रोड्यूस होता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है कि कौन से कंपाउंड के लिए कौन सा रिएजेंट यूज़ करते हैं प्लस कौन सा कलर प्रोड्यूस होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे। अब नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो ये सिंपल अभी देखा कि हम लोग कौन कौन से टेक्निक, क्या क्लासिफिकेशन होता है, क्या प्रिंसिपल होता है, जनरल रिक्वायरमेंट क्या होती है प्रैक्टिकल के लिए, ठीक है, किस वैल्यू पे हम किससे हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं अगर हम लोग स्मॉल स्केल की बात करते हैं, जैसे हम लोग कॉलेज में लैब करते हैं, ठीक है, तो लैब में क्या हम लोग टेक्निक यूज़ करते हैं, तो इनके क्या सेपरेशन, क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं। तो फर्स्ट है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड में अगर वो मिक्सर का बना हुआ है तो वो कौन से मिक्सर, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट से मिलके ही बना हुआ है एक फाइनल कंपाउंड। ठीक है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करना, चेक करना, तो उसके लिए क्रोमेटोग्राफी यूज़ किया जाता है। सेकेंड आता है प्योरिफिकेशन प्रोसेस। प्योरिफिकेशन प्रोसेस जैसे अभी बात हुई थी कि अगर हम सिंपल पता करना चाहते हैं कि ल्यूसीन प्रेजेंट है या फिर नहीं, आइसोल्यूसीन प्रेजेंट है कि नहीं, या कौन सा एमिनो एसिड प्रेजेंट है, कौन सा प्रोटीन्स है, ठीक है, तो वो एक प्योरिफिकेशन प्रोसेस होता है जिसमें हम चेक कर सकते हैं कि इस रेंज में आ रहा है, मतलब ये हमारा कंपाउंड है, अगर उस रेंज के बियॉन्ड जा रहा है ये हमारा कंपाउंड इम्प्योर हो चुका है। ठीक है, थर्ड आता है प्योरिफिकेशन ऑफ फाइटोकेमिकल। जैसे अभी स्टार्टिंग में ही हुआ है कि जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, स्वेट ने किस पे काम किया था, प्लांट पे ही काम किया था। ठीक है, फर्स्ट इनका जो भी काम हुआ था वो प्लांट पे ही हुआ था। तो जो भी फाइटोकेमिकल स्टडी होती है प्लांट की, अगर कंपोनेंट अगर हमें चेक करना होता है कि इस प्लांट में कौन सा केमिकल्स
प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे हम लोग बात करेंगे क्लोव की बात करते हैं, ठीक है, मेन जो होता है फ्लावर बड होता है, तो इसमें कौन सा ऑयल प्रेजेंट है, तो यूजिनॉल ऑयल प्रेजेंट होता है। तो यूजिनॉल ऑयल इस क्लोव में प्रेजेंट है कि नहीं, तो उसके लिए भी सिंपल ये टेक्निक यूज़ किया जाता है, क्रोमेटोग्राफी, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट हम लोग इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आइसोलेशन ऑफ मेटाबोलाइट, अगर मेटाबोलाइट का आइसोलेट करना है, उनको भी चेक करना है, तो उसके लिए भी हम लोग क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं। एस्टिमेशन ऑफ ड्रग, एस्टिमेशन ऑफ ड्रग जैसे कोई भी ड्रग है तो उनको एस्टिमेट करना, इनके लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, वो लार्ज स्केल पे होता है, जैसे HPLC या HPTLC की बात करेंगे या गैस क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो उनके डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, जिसमें हमें चेक करना होता है, देखना होता है कि वो कितना प्योर है या प्रेजेंट है कि नहीं, वो एस्टिमेशन ऑफ ड्रग हुआ। प्रोसेस डेवलपमेंट, इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, जैसे LOD हुआ, LOD LO क्यों होता है, प्रिसीजन एक्यूरेसी रबर्सनेस, ठीक है, प्योरिटी, प्योरीफाई नेचुरल प्रोडक्ट, टू सेपरेट एक्टिव कंपाउंड फ्रॉम प्लांट मटेरियल, ये वही पार्ट है फाइटोकेमिकल का, ठीक है, डिटरमाइन द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सैंपल, अगर एक सैंपल में कौन सा केमिकल कॉम्पोजिशन, एक तो केमिकल कितने केमिकल्स से मिलकर बना हुआ है, तो उनको भी हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ कंपोनेंट, ठीक है, यूज इन फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री, ठीक है, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में भी इनका यूज, तो ये सिंपल इनका एप्लीकेशन है जहाँ पर हम लोग क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट, अभी हम लोग देखें कि क्या क्रोमेटोग्राफी होता है, कितने टाइप के होते हैं, किस किस बेसिस पे हम लोग इनको क्लासिफाई कर सकते हैं, किस क्रोमेटोग्राफी में क्या कौन सा नेचर होता है, क्या यूज़ किया जाता है, अब इनके बेसिस पे कुछ MCQ है जनरल। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमेटोग्राफी इज ए फिजिकल मेथड दैट इज यूज टू सेपरेट एंड एनालाइज, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी एक फिजिकल मेथड है जिसमें हम लोग सेपरेट या एनालाइज के लिए यूज़ करते हैं। अब किस टाइप का, फर्स्ट है सिंपल मिक्सर, सेकंड कॉम्प्लेक्स मिक्सर, थर्ड इज विस्कस मिक्सर एंड फोर्थ इज मेटल, मतलब किस मिक्सर के लिए हम लोग क्रोमेटोग्राफी यूज कर सकते हैं, या तो वो स्मॉल स्केल पे हो या फिर लार्ज स्केल, तो इसका क्या होगा, कॉम्प्लेक्स क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, जो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है वो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोनेंट से मिलकर बना हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल से मिलकर बना हुआ है, तो इसीलिए वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। तो कॉम्प्लेक्स मिक्सर को आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको सेपरेट करने के लिए, उनको एनालाइज करने के लिए हम लोग क्रोमेटोग्राफी टर्म यूज करते हैं। अब सिंपल मिक्सर होगा नहीं, अगर हम लोग सिंपल मिक्सर की बात करें तो ये हम लोग किसी भी, अगर सॉलिबिलिटी के बेसिस पे भी हम लोग चेक कर सकते हैं, कोई भी अगर सॉलिबिलिटी लिए या pH के बेसिस पे भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि ये सिंपल, अगर जो मिक्सर बना हुआ है, जो सॉल्यूशन बना हुआ है, ये किस किस केमिकल से बना हुआ है। नेक्स्ट आता है विस्कस मिक्सर, यहाँ पे होगा नहीं विस्कस मिक्सर, मेटल्स का यहाँ पे सेपरेशन नहीं हो सकता है क्रोमेटोग्राफी की बेसिस पे, तो इनका सिंपल क्या होगा, क्रोमेटोग्राफी इज ए फिजिकल मेथड दैट इज यूज टू सेपरेट एंड एनालाइज द कॉम्प्लेक्स मिक्सर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स मिक्सर के लिए हम लोग क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज करते हैं। अब नेक्स्ट आता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में, अब ये पूछा है कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में, यहाँ पे मेन प्रिंसिपल पूछ रहा है, ठीक है, कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में क्या प्रिंसिपल होता है, ठीक, तो यहाँ पे फर्स्ट है पार्टीशन, सेकंड इज एब्जॉर्प्शन, थर्ड इज आयन एक्सचेंज एंड फोर्थ इज जेल परमिएशन। अब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में पहली चीज हमेशा ध्यान रखना कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी पूछा हुआ है, थिन लेयर में हम लोग जो स्टेशनरी फेज यूज़ किए हैं उनका फेज क्या है, वो कौन से स्टेट में है, और जो मोबाइल फेज यूज़ किए हैं वो कौन से स्टेट में है। अगर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की बात करते हैं तो सिंपल हम लोग ग्लास सिलिका यूज़ करते हैं, ठीक है, ग्लास सिलिका यूज़ किया जाता है या फिर एल्यूमिना प्लेट यूज़ करते हैं, ठीक, तो जो ग्लास सिलिका है वो क्या करेगा, ग्लास सिलिका पे किसकी कोटिंग होती है, सिलिका जेल की कोटिंग होती है, तो सिलिका जेल जो भी मोबाइल फेज होते हैं या जिस भी केमिकल्स को हमें आइडेंटिफाई करना है या सेपरेट करना है वो सिंपल क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जितने भी अगर जो भी हमारे स्टेशनरी फेज अगर सॉलिड में आ रहे हैं, जैसे पेपर हुआ या थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी हुआ, कॉल्यूम क्रोमेटोग्राफी हुआ, अगर जितने भी अगर स्टेशनरी फेज सॉलिड स्टेट में है तो उनका प्रिंसिपल क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। तो इनका सिंपल सा आंसर है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज ए एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, एब्जॉर्प्शन के बेसिस पे ही हम लोग सेपरेट करते हैं। पार्टीशन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, वो लिक्विड के बेसिस पे होता है जिसमें हम लोग जो भी पार्टीशन कोफिशियंट, ठीक है, वहाँ पे पार्टीशन के बेसिस पे अगर डिफरेंट, क्योंकि एक अगर हम लोग मोबाइल फेज बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें सेम नेचर के ही सारे सॉल्वेंट रहे, अगर एक नेचर पोलर ले रहे हैं तो जितने भी कंपोनेंट रहेंगे वो सारे पोलर में ही रहेंगे, अगर नॉन पोलर ले रहे हैं तो नॉन पोलर ही रहेंगे, सेमी पोलर ले रहे हैं तो सेमी पोलर ही में रहेंगे, तो इनके बेसिस पार्टीशन के, पार्टीशन हमेशा ध्यान रखना लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में होता है,
आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के बेसिस पे क्या था कि आयंस के बेसिस पे सेपरेशन किया जाता है, तो ये अलग क्रोमेटोग्राफी है। जेल परमिएशन क्या होता है, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, जिसमें हम लोग साइज के बेसिस पे सेपरेट करते हैं या फिर आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट है इन क्रोमेटोग्राफी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मोबाइल फेज बी मेड ऑफ। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेज जो होता है वो किस चीज़ का बना होता है, चाहे कोई भी क्रोमेटोग्राफी हो, ठीक है, वो गैस क्रोमेटोग्राफी की बात हो रही हो, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, HPLC, HPTLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन, जो भी लिक्विड क्रोमेटोग्राफी क्या यूज़ कर रहे हैं, तो ये सॉलिड और लिक्विड, सेकेंड ऑप्शन इज लिक्विड और गैस, थर्ड इज गैस ओनली एंड फोर्थ इज लिक्विड ओनली। तो क्या होगा, लिक्विड और गैस, ठीक है। मोबाइल फेज पूछा गया है कि मोबाइल फेज का नेचर क्या होना चाहिए, मोबाइल फेज किस चीज़ का बना होता है, तो या तो वो लिक्विड हो सकता है या फिर गैसियस में हो सकता है, सॉलिड नहीं। वही अगर इसमें क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि इन क्रोमेटोग्राफी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी स्टेशनरी फेज में मेड ऑफ, स्टेशनरी फेज हमारा किस चीज़ का बना हुआ है, तो वो किसका हो सकता है, या तो वो सॉलिड हो सकता है या फिर लिक्विड हो सकता है, वहाँ पर गैस नहीं यूज हो सकता है, ठीक है। तो इससे ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि मोबाइल फेज पूछा हुआ है तो वो किस चीज का बना हुआ है, या फिर स्टेशनरी फेज पूछ रहा है तो वो किस चीज का बन सकता है, चाहे वो किसी भी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक की बात कर रहे हो। तो यहाँ पे सिंपल क्या होगा, लिक्विड और गैस, ठीक है, सॉलिड और लिक्विड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सॉलिड टर्म हुआ है, गैस ओनली होगा नहीं क्योंकि गैस के साथ हम लोग लिक्विड भी यूज करते हैं, लिक्विड ओनली होगा नहीं क्योंकि गैस भी यूज कर सकते हैं या फिर लिक्विड भी यूज करते हैं। अब नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द मैक्सिमम RF वैल्यू फॉर एनी कंपाउंड इन पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी भी हो सकता है या फिर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी भी हो सकता है, क्योंकि थिन लेयर में ग्लास स्लाइड यूज करते हैं, वहां पे भी हम लोग RF के बेसिस पे डिटेक्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो RF वैल्यू मतलब रिटार्डेशन वैल्यू, ठीक है, तो रिटार्डेशन वैल्यू की जो रेंज होनी चाहिए वो क्या अभी डिस्कस हुआ, तो इन बिटवीन 0 to 1, 0 to 1 के बीच में ही रेंज आनी चाहिए RF की, ठीक है, जिस भी कंपाउंड को हमें आइडेंटिफाई करना है। अगर 2 है मतलब गलत, जो भी हमारा कंपाउंड जो हम डिटेक्ट कर रहे हैं वो इम्प्योर है, 0.6 भी नहीं, 1 होना चाहिए, 1.5, ठीक है। तो इसमें सिंपल सा होगा कि 1 RF वैल्यू फॉर एनी कंपाउंड इन पेपर क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज इज मेड ऑफ एंड द मोबाइल फेज इज मेड ऑफ। अगर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो स्टेशनरी फेज हमारा किस चीज़ का बना हुआ है और मोबाइल फेज हमारा किस चीज़ का बना हुआ है। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, पहली चीज़ ध्यान रखना कि थिन लेयर की बात हो रही है, मतलब इसमें हम लोग स्टेशनरी फेज सॉलिड लिए हुए हैं, या तो वो पेपर है या फिर कॉलम है या फिर कोई भी हम ग्लास सिलिका ले ले रहे हो, चाहे या एल्यूमिना प्लेट ले ले रहे हो, उसके बेसिस पे हुआ है। तो थिन लेयर में जो स्टेशनरी फेज, इसमें ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है सॉलिड लिक्विड, सेकेंड लिक्विड एंड लिक्विड, थर्ड लिक्विड गैस एंड फोर्थ इज सॉलिड एंड गैस। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेज होता है वो सॉलिड का बना होता है और मोबाइल फेज किसका होता है, लिक्विड का बना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि थिन लेयर की ही बात हुई, अगर सिंपल यहाँ पे टर्म यूज कर दिया जाए इन पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज इज मेड ऑफ एंड द मोबाइल फेज इज मेड ऑफ, मतलब अगर पेपर क्रोमेटोग्राफी की बात कर रहे हैं तो वहां पे स्टेशनरी फेज हमारा किस चीज का बना हुआ है या फिर मोबाइल फेज किस चीज का बना हुआ है, तो इन दोनों के आंसर सेम है, सॉलिड एंड लिक्विड, यानी कि थिन लेयर में स्टेशनरी फेज क्या है, सॉलिड है, या फिर मोबाइल फेज क्या हो सकता है, लिक्विड है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इन गैस लिक्विड फेज क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज इज कंपोज ऑफ एंड द मोबाइल फेज इज मेड ऑफ। अब गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की बात कर रहे हैं, फर्स्ट था थिन लेयर, सेकेंड आ रहा है गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज हमारा किस चीज़ का बना होता है और मोबाइल फेज हमारा किस चीज़ का बना हुआ है। तो गैस क्रोमेटोग्राफी में जो हमारा स्टेशनरी फेज होता है वो किस चीज़ का होता है, लिक्विड का बना होता है। कभी भी ये ध्यान रखना कि स्टेशनरी फेज गैसियस मोड में नहीं हो सकता है, ठीक है, या तो वो सॉलिड होगा या फिर लिक्विड में होगा। और वही अगर हम मोबाइल फेज की बात करेंगे तो मोबाइल फेज में कभी भी जो मोबाइल फेज होगा वो सॉलिड में नहीं हो सकता है, ठीक है, या तो वो गैसियस में रहेगा नहीं तो लिक्विड में होगा, क्योंकि मेन यही चीज़ है, इसी के बेसिस पे हम लोग स्टडी कर सकते हैं, अगर बेसिक ये मालूम है तो फर्दर स्टडी हो सकता है। तो गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेज होता है वो लिक्विड का बना होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टर्म है गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। अगर सिम और जो मोबाइल फेज होगा वो किसका होगा, गैस का। अब यही क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए कि इन गैस
सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी हो जा रही है। तो वहाँ पे जो हमारा स्टेशनरी फेज है वो किस चीज़ का बना है, सॉलिड का बना हुआ, और मोबाइल फेज गैस का। तो ये ध्यान रखना कि कौन सा क्रोमेटोग्राफी पूछ रहा है, और कौन सा क्या हम स्टेशनरी फेज यूज़ कर रहे हैं, और कौन सा मोबाइल फेज यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी ऑल्सो कॉल्ड। तो क्रोमेटोग्राफी में पहली चीज़ बताई गई है कि ये दो टर्म से मिलकर बना हुआ है, फर्स्ट क्रोमा इज ए ग्रीक वर्ड और ग्राफी, ठीक है। तो क्रोमा मतलब होता है कलर, और ग्राफी मतलब टू राइट, तो इनका सिंपल मीनिंग होती है कलर राइटिंग, ठीक है, ग्राफ राइटिंग नहीं, पेज राइटिंग नहीं, ऑल ऑफ दिस होगा नहीं, तो कलर राइटिंग, क्रोमेटोग्राफी ऑल्सो कॉल्ड कलर राइटिंग। अब इसी से क्रोमेटोग्राफी को तो कलर राइटिंग कहते हैं। एक और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, हु वॉज कॉइंड द टर्म क्रोमेटोग्राफी, या हु वॉज डिस्कवर द टर्म क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी किसने डिस्कवर्ड किया था। तो हमेशा साइंटिस्ट नेम जरूर याद रखना, क्योंकि वो साइंटिस्ट नेम पूछता है कि हाँ स्वेट ने किया था, कहाँ के थे, किस पे, या किस पहले जो हम स्टडी किए थे क्रोमेटोग्राफी वो किस पे किए हुए थे, फाइटोकेमिकल पे किया जा रहा था, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी ऑल्सो कॉल्ड कलर राइटिंग। नेक्स्ट है इन विच क्रोमेटोग्राफी स्टेशनरी फेज मोर पोलर देन मोबाइल फेज। अब ये क्वेश्चन है कौन से क्लासिफिकेशन की बात हो रही है, मोड के बेसिस पे पूछा जा रहा है, नॉर्मल फेज और रिवर्स फेज। मतलब नॉर्मल फेज में मोबाइल फेज का नेचर क्या होना चाहिए, पोलर या नॉन पोलर, या फिर स्टेशनरी फेज का नेचर क्या होना चाहिए, पोलर या फिर नॉन पोलर। तो यहाँ पे है स्टेशनरी फेज मोर पोलर देन, मोर पोलर देन मोबाइल फेज क्या होगा, रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, या फिर रेडियल क्रोमेटोग्राफी। तो इसका सिंपल सा आंसर है रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। इसीलिए जो मोस्टली यूज किया जाता है वो कौन सा यूज होता है, रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी ही यूज किया जाता है। तो इसी में अगर पूछ दिया जाता है क्वेश्चन कि नॉन पोलर में, कि अगर सिंपल पूछ दिया जाए कि नॉर्मल फेज में मोबाइल फेज का नेचर क्या हो सकता है, या फिर नॉर्मल फेज में स्टेशनरी फेज का नेचर क्या हो सकता है, तो इससे क्वेश्चन आते हैं कि नॉर्मल फेज में मोबाइल फेज का नेचर क्या होता है, नॉन पोलर होता है, ठीक है, स्टेशनरी फेज पोलर होता है। इसी का ठीक अपोजिट होता है रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी में। नॉर्मल में जो मोबाइल फेज अगर नॉन पोलर है तो रिवर्स फेज में क्या हो जाएगा, मोबाइल फेज पोलर हो जाता है, ठीक है। अगर नॉर्मल में बात करेंगे स्टेशनरी फेज पोलर है तो रिवर्स में क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टोटल एक बेसिक था कि क्रोमेटोग्राफी है क्या, क्रोमेटोग्राफी को किसने डिस्कवर्ड किया था, किस किस बेसिस पे हम लोग क्लासीफाई करते हैं, बेसिक प्रिंसिपल क्या होते हैं, क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए क्रोमेटोग्राफी के, क्लासिफिकेशन के बेसिस पे कौन कौन से डिफरेंट टेक्निक होते हैं, ठीक है, और कुछ एमसीक्यू होते हैं। थैंक यू।